तो आज हम बनाएंगे घी बनने के बाद बचे हुए मावे से बहुत ही टेस्टी मिल्क केक। अगर आप भी घर पर ही घी बनाते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हम मावा का कलर इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे मैं घी बना रही हूँ, तो मावा को ज़्यादा पकाने से क्या होगा कि हमारा जो मिल्क केक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हम इस तरीके से इसका कलर रखेंगे और अब हम ये मावा को घी से अलग कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसे छान लेंगे और मावा को घी से अलग कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और अब हम इसमें 2 कटोरी मिल्क ले लेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। हम यहाँ पे मिल्क का मेजरमेंट और जो हमारा मावा है उसका मेजरमेंट सेम रखेंगे। तो यहाँ पे मिल्क बॉईल होना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसमें 2 कटोरी मावा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसमें 3/4 कटोरी शुगर डाल देंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम शुगर को मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, तो आप जब भी घर पे घी बनाएं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अब शुगर भी मेल्ट हो चुका है और यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी यहाँ पे रोस्टेड चना दाल ले लिया है जो हम चटनी में यूज़ करते हैं और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और आप इसके प्लेस पे आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर या फिर आप बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन बेसन को आप रोस्ट करके ले, क्योंकि अगर आप उसे रोस्ट नहीं करेंगे तो उसका कच्चा टेस्ट आएगा। तो आप जब भी घर पर घी बनाएं तो आप इसमें ये 3 अलग अलग इंग्रेडिएंट डाल के इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप इसमें कभी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, कभी डेसिकेटेड कोकोनट या फिर रोस्टेड बेसन डाल के आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। तो अब हम इसमें यहाँ पे मैंने 3 इलायची ले लिया जिसे पाउडर कर लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इलायची पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा मिल्क केक बिल्कुल तैयार है। और अब मैंने यहाँ पे ये ट्रे ले लिया है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसे प्लेट में भी जमा सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे फ्रिज में भी रख के इसे अच्छे से जमा सकते हैं। और अब 1 घंटे हो चुके हैं, ये ठंडा होकर बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है और अब हम इसे पलट लेंगे। और सबसे पहले हम ये बटर पेपर को निकाल लेंगे और उसके बाद आप इसे अपने पसंद की किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और अब मिल्क केक बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।